हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास रेडमी फ़ोन में थीम्स में वॉलपेपर को अप्लाई करने के बाद ये एरर आ रहा है कैन नॉट कनेक्ट टू द नेटवर्क, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर मैनेज ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है थीम। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थीम्स यहाँ पर शो हो गए हैं, तो आपको इसको क्लिक कर इसका ऐप इन्फो आपको ओपन कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर कैचे के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है, उसके बाद आपको क्लियर ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप परमिशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे परमिशन को आपको अलाउ कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको बैक आना है, फिर आपको स्क्रॉल करना है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास दोनों बॉक्स में चेक होना चाहिए, उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर थीम ऐप ओपन कर वॉलपेपर अप्लाई कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई तो आपको यहाँ पर ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट के ऊपर क्लिक कर आपको जो है इस एप्लीकेशन का अपडेट जो है अनइंस्टॉल कर देना है, आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, इसका अपडेट जो है अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम ऐप अपडेटर, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद ऑल अपडेट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर अगर आपके पास थीम्स अपडेट शो हो रहा है तो आप उसको अपडेट कीजिए, यहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, इस तरीके से आप इजीली रेडमी फ़ोन्स में जो है अगर आपके पास भी थीम्स एप्लीकेशन में वॉलपेपर अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका एरर आ रहा है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।